खाओ बेटा, अच्छे से खाओ, दही खाओ, परोठा खाओ, अच्छे से नाश्ता करो। क्या खाने पीने से आदमी स्ट्रॉन्ग होता है, मेरी तरह। पापा आप स्ट्रॉन्ग हो? यस बेटा, एनी डाउट? आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। बेटा सब डरते हैं मुझसे, तुझे मालूम मेरी इजाजत के बगैर ना पत्ता भी मुझे हिलता है कई बार। वही तो बेटा, तुम्हारे पापा सुपरमैन है। मम्मी पर सुपरमैन तो अंडरवेयर बाहर पहनता है। हाँ बेटा, मैं भी बाहर से पहनता हूँ, आई मीन T2 अंडरवियर, क्योंकि इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। लीजिए चाय पी लीजिए, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। भाई तुम्हारे हाथ की चाय का जवाब नहीं बॉबी, मलाई वाली चाय खासकर। मलाई कहाँ है? अरे मलाई छोड़ो, दूध दूध कहाँ है? आई मीन वेयर इज मिल्क? वो मैं चढ़ा के आई। कहाँ? शंकर भगवान पर। Why and how? When? वो आज सोमवार है ना, कहते हैं कि हर सोमवार को शंकर भगवान पर दूध चढ़ाने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है, तो मैं शिव जी पर दूध चढ़ाई। लेकिन हमारे घर में 1.5 लीटर दूध आता है, तो क्या सारा का सारा चढ़ाई? नहीं नहीं, बच्चों को देने के बाद 1 लीटर बचा था, वो 1 लीटर में सारा का सारा चढ़ाई। अब से हर सोमवार आपको काली चाय मिलेगी। मतलब मैं यहाँ काली चाय पीऊँ और तुम 55 रुपए का दूध शिवजी पर चढ़ाए? 55 रुपए खर्च करने से अगर हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और ये बबलू अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, तो 55 रुपए सस्ते ही हुए ना बॉबी। ये हमारा जो बबलू है ना, ये दूध चढ़ाने से नहीं, पढ़ने से पास होगा। Am I right? Yes. और मैं ये काली चाय नहीं पी सकता, नेवर। अच्छा तो मत पियो, वैसे भी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अरे what is this? This is wrong. How disgusting. मतलब इस घर में मैं एक ढंग की चाय भी नहीं पी सकता, 55 रुपए का दूध तुम पीगा यार सब, और पूरा शिवाय। अरे कहाँ हो मेरे भाई? हेलो मिस्टर चौबे। शिवाय ये हेलो वेलो छोड़ो और ये बताओ कि हमारी पत्नी 1 लीटर दूध चढ़ा के आई, क्या थोड़ा भी हमारे लिए नहीं बचाया तुमने? मतलब हम काली चाय पी रहे हैं, एंड यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब इतना तो एक जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा सा दूध हमारे लिए बचा लेते। मैंने तुम्हारे हिस्से का दूध पी लिया? अरे पागल हो क्या? यहाँ सबेरे से एक प्याला चाय पीने को तरस गए हैं। पापा जी एक मिनट, एक मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ बोल बोलो भाई। अरे किनसे? पापा जी एक मिनट रुकिए ना, अरे थोड़ा दूध तो बचा लेते हमारे लिए। बोलो भाई बोलो। बचा लेता भगवान दा, थोड़ा नहीं पूरा रख लेता, पर मुझे दूध मिला ही नहीं। अब जान दो यार, जो बॉबी ने दूध चढ़ाया तुम्हारे ऊपर, वो तुमने पिए नहीं। मेरे ऊपर दूध चढ़ाया है? पागल हो गए हो तुम? मैंने बोला ना मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बताओ ना यार। मैंने नहीं पिया भगवान दा, हाँ लेकिन गटर और नाली ने अवश्य पिया हो। तो मतलब जो लोग बोलते हैं कि सोमवार को तुम्हारे ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए, that's wrong. You don't like milk. सोमवार को मेरे ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए? वाकई मैं बगू तो पागल हूँ। पापा जी एक मिनट रुकिए प्लीज। हाँ बोलो भगवान दास, मुझे 2-5-10 लीटर दूध की आवश्यकता नहीं, बस श्रद्धा से 2 बूंद दूध मिल जाए मेरे लिए बहुत है। तो इसका मतलब जो 1 लीटर दूध चढ़ाया वो बेकार गया? मतलब जो 5 रुपए जहाँ खर्च करने चाहिए थे वहाँ 55 रुपए खर्च कर दिए बॉबी ने? इसका मतलब बॉबी बेवकूफ, इट्स रॉन्ग। ये क्या है हा? और पापा जी ये आपके सामने मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं और आप खड़े खड़े सुन रहे हो? बेटा क्या, अरे मुझे भी कुछ समझ में आ रहा हो तब तो इसको रोकूं। तुझे पता है कह रहा है कि तूने 55 रुपए का दूध मेरे ऊपर चढ़ाया? क्या? अरे अरे पापा जी मैं आपको नहीं, मैं इनको इनको कह रहा था, ठीक है? और मैं ना तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था बाय द वे। हाँ सब सुना मैंने, आपने मुझे बेवकूफ बोला ना। खन्ना साहब को देखिए, कभी अपनी पत्नी को बेवकूफ कहते हैं क्या? एक नंबर का बेवकूफ है साला। क्या? साला बेवकूफ।
मतलब मेरा भाई भी बेवकूफ। अरे नहीं भाई, मैं वो नहीं कह रहा था जो तुम क्या क्या कहा आपने? अरे समझा कर। नहीं नहीं बोलिए ना, क्या कहा क्या आपने? अरे यार तुम हंस रहे हो यार। मैं कहाँ हंस रहा हूँ यार? यार कमाल है, मतलब पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगा कर हंस रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब मैं कहाँ झगड़ा लगा रहा हूँ, लगता है तूने सुबेरे से भांग खा रखी है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ पापा जी। लेकिन मैं आप ही से कह रही हूँ, सबसे पहले भगवान से माफी मांगिए। अगर भगवान नाराज हो गए ना तो आपको यही खड़े खड़े भस्म कर देंगे। भाई भस्म मत करना। अरे बेटा तू मुझसे क्यों माफी मांग रहा है? अरे माफी मांगनी है तो भगवान से मांग, भगवान से। पापा जी माता पिता भी तो भगवान के समान ही होते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, आप भी माफ कर दीजिए। अब मैं जाता हूँ, नहीं तो ऑफिस में भी माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है चलता हूँ पापा जी। ठीक है ठीक है। और सुनो, अरे ध्यान से जाना, बार म्यूनिसिपैलिटी वाले आवारा कुत्तों को पकड़ रहे हैं। पापा जी मैं आवारा कुत्ता नहीं। पता है बेटा। Why you said to me? बेटा मैं तो मोहल्ले की खबरें बता रहा था। पापा जी ये खबरी बनना ना कोई अच्छे संस्कार नहीं है। ठीक है ये कच्चे हैं, देखो कितने अच्छे हैं। मैं ये दुबई से लेके आया हूँ। यस सर वेरी नाइस, बट व्हाई आई मीन आप अपने कच्चे क्यों दिखा रहे हैं? भगवान दास ये मेरे कच्चे नहीं है, ये कच्चे शेख पहनते हैं, लेकिन वो इसे बाहर नहीं पहन सकते क्योंकि वो पैंट नहीं पहनते ना। वैसे इन्हें पहनकर बाहर तो क्या पार्टी में भी जा सकते हैं, इसीलिए हमारी कंपनी ने ये फैसला किया है कि हम भी ऐसे ही अंडरवियर बनाएंगे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इसीलिए टोनी जी ने ये डिसाइड किया है कि हमारी टीम में से एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन रंग बिरंगे अंडरवेयर्स की रिसर्च के लिए दुबई जाए अपनी फैमिली के साथ। यस सर, I am ready. I will go, sir. Bobby, my wife, she like Videsh very much, sir. A foreign country. भगवान दास, ये वक्त आपकी बीवी विदेश नहीं जाना चाहती, सबकी बीवियां बाहर जाना चाहती। इसलिए टोनी जी ने फाइनल किया है कि दुबई सिर्फ उस आदमी की फैमिली जाएगी जो इस महीने सबसे ज्यादा सेल्स करे। आप तो कर नहीं पाएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं, चमत्कार होते हैं कभी। I will do. I mean I can do. सिमी जी, I can do ना? Yes, BD, you can do it. सिमी जी, क्यों झूठे सपने दिखा रही हैं? अरे भगवान दास टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच सकता है, ये टाइम पे टारगेट क्या पूरा करेगा? नो अस्थाना जी, I can do. और देखना मैं करूंगा, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। देखना इतने कम नंबर लाया है, पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी मेरी। मम्मी नाक तो अपनी जगह पर है। चुप कर नालायक। मम्मी इसका ना टीवी देखना और बाहर जाना बंद करवा दो। जी बबलू क्या है, चल बैठक लगा। बॉबी, ये आज रिजल्ट आना था ना, तो मतलब फेल हो गया ना? अरे नहीं बेटा, फेल नहीं हुआ है, पास हो गया है। पास हुआ है? हाँ पापा, फर्स्ट आया है। अरे वाह मेरे बेटे, क्या बात है। चलो अच्छा हुआ भाई, तुम्हारे 55 रुपए दूध के वसूल हो गए। पीछे से फर्स्ट आया है, मतलब 30 बच्चों में से 30वां नंबर आया है आपके सुपूत का। ए, बस पागल हो गई क्या? ठीक है बाद में बात करें, छोटी छोटी बातों पे दिमाग खराब मत करो। इधर आओ बेटा, इधर आओ, अभी ध्यान से पढ़ेगा। हाँ। प्रॉमिस। हाँ। चल बाद में बात करेंगे, जाओ। ओ, चलो पापा जी प्लीज धमकाना नहीं है,
कितनी दूर तक शिव मंदिर पे गई थी मैं शिव जी पर दूध चढ़ाने के लिए, पूरा एक लीटर दूध भी चढ़ा है, लेकिन रिजल्ट क्या, ये डब्बा। अरे छोड़ो, अब काहे टेंशन ले रही, आओ बैठो इधर, तुम्हारा मूड ठीक कर देते हैं, देखो एकदम। मूड फ्रेश करना है तो नवीन मार्केट लेके चलो शॉपिंग के लिए। तेरा भला, इतना छोटा ही सोचोगी हमेशा, अरे कुछ बड़ा सोचो। नवीन मार्केट कोई मार्केट है शॉपिंग करने के लिए? अरे शॉपिंग करनी है तो मलेशिया, इंडोनेशिया, मतलब जितने भी एशिया, दुबई। चलो इस बार तुम्हें दुबई लेके चलते हैं शॉपिंग के लिए। दुबई? तरपा खरपा अल हबीबी अल खलीफी। यस। आजकल संगत ठीक नहीं लग रही है आपकी। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब जागते में सपने देखते हो, वाओ, और फालतू की बातें करते हो। दुबई लेके जाऊंगा, शॉपिंग करवाऊंगा, यहाँ दादा नगर तो लेके नहीं जाते, मेरे फूफा जी रहते हैं वहाँ पर। अरे मेरी अम्मा, मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो ये हमारी कंपनी भेजेगी, जिसकी सेल एक महीने के अंदर सबसे अच्छी होगी उसको फैमिली समेत दुबई फ्री 4 days 3 nights। एंड यू नो, इस बार मेरे सेल्स अच्छे होने के पूरे चांसेस है। चांसेस नहीं, अगर भगवान ने चाहा ना तो आपकी सेल सबसे अच्छी होगी। सही कहा बॉबी ने। यदि भगवान ने चाह, यानी कि तुमने चाहा भगवान दास, तो तुम्हारी सेल्स इस बार सबसे ज्यादा होगी। मैं चाहूं तो मतलब? अरे मैं क्यों नहीं चाहूंगा भाई? चाहूंगा से क्या मतलब है भगवान दास? मेहनत करनी पड़ेगी। तो करूंगा ना, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, और देखना हम ही लोग जाएंगे, हमारी फैमिली जाएगी दुबई 4 days 3 nights फ्री। कितना मजा आएगा दुबई। बॉबी, वही वही शेख भगवान दास। शेख भगवान दास? बॉबी मैं शेख भगवान दास नहीं, तुम्हारा पति हूँ भगवान दास चौबे। हमारा गधा कहाँ गया? गधा? हाँ, हम दोनों रेगिस्तान में गधे पर थे ना। भगवान, बॉबी रेगिस्तान में गधा नहीं ऊंट होता है। अरे कम से कम सपना ले रही थी, सपना तो ऊंचा लेती। और तुम्हें एक बात बताऊं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम अभी दुबई नहीं जा रहे हैं, दुबई जाने में बहुत टाइम है अभी, मालूम है? देखो पहले मैं ऑर्डर लेने जाऊंगा, फिर ऑर्डर मिलेंगे, मतलब उसके बाद जिसके ऑर्डर और सेल सबसे ज्यादा होंगे वो दुबई जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपके सेल सबसे बेस्ट होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इधर इज सो मच कंपटीशन, यू नो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। बॉबी राइट। और मैं गणेश जी से कल ही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें जल्द ही विदेश भेजे। गणेश? भगवान दास, अभी तक तो बॉबी मुझे दूध चढ़ा रही थी, एकदम से गणेश? राइट बॉबी, ये गणेश क्यों भाई, शिव जी क्यों नहीं? वो हमारा काम जल्दी करवा सकते हैं। देखो मैं भी थोड़ी सिफारिश कर दूंगा, बिकॉज मेरे उनसे थोड़े पर्सनल रिलेशन भी हैं। ही इज माई फ्रेंड। शिव जी भी हैं, पर गणेश जी के मंदिर की ना बड़ी मान्यता है, तो मैं वहां जाकर उनसे प्रार्थना करूंगी, फिर देखना आपकी सेल सबसे बेस्ट हो जाएगी। हे गणपति बापा, माय फ्रेंड गणेशा, गणू मेरे भाई, किसी भी तरह से हमको भेज दो दुबई, हम तुमको भी साथ ले जाएंगे, वहाँ दुबई की सैर करवाएंगे, ऊंची ऊंची इमारतों पे बिठाएंगे और वहाँ बिठा कर लड्डू खिलाएंगे। ना 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 ना, एक मिनट, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कल चाहे काली थी आज फीकी है, चीनी कहाँ है, वेयर इज शुगर? वो आज गणेश जी के प्रसाद के लिए लड्डू बनाए ना, तो सारी शक्कर उसी में चली गई, तो आज ये फीकी चाय पी लो और लड्डू से मुंह मीठा कर।
देखो एक काम करो, ये फीकी चाय ना तुम पियो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आज जगदम्बा जनरल स्टोर के मालिक गणेश गुप्ता जी से बहुत अर्जेंट मीटिंग है, आज उनसे ऑर्डर मिलने वाला है। 10 बजे मीटिंग थी, 9:30 बज गए, कितना लेट हो गया हूँ मैं। ऐसे नहीं देंगे गणेश जी ऑर्डर। तो कैसे देंगे भाई? ऑर्डर तो तब मिलेगा जब आप ये गणेश जी का प्रसाद किसी चूहे को खिलाओगे। चूहे को लड्डू खिलाने से ऑर्डर मिलेगा? और चूहा ढूंढूंगा कहाँ? अरे बेटा, अपनी गली के बाहर की नालियों में बहुत चूहे हैं, देखो शायद मिल जाए। पर पापा जी, मैं चूहे ढूंढूं या मीटिंग करूं? यही तो फर्क है ना पापा जी। खन्ना साहब को देखिए, कैसे भाग भाग के चूहे पकड़ते हैं वो। I cannot understand one thing. What is the connection between Dubai and Chuha? Dubai is Dubai and Chuha is Chuha. मिठाई लाल जी, आप यहाँ कैसे? हमारी छोड़िए, आप ही यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम तो बस ऐसे, हाँ वो चूहा ढूंढ रहे थे। चूहा? अरे चूहा क्यों? क्यों? वही तो। अरे हाँ हाँ, हम लोग दुबई जा रहे हैं, दुबई विद फैमिली। हाँ सच्ची। अरे हाँ, बस जाने का इंतजाम हो ही गया समझो। ये इंतजाम करने ही गए हैं अभी क्या? नहीं नहीं, टिकट बुक कराने नहीं, चूहे को लड्डू खिलाने। बस इतनी सी बात? चूहा नहीं पकड़ पा रहे हैं आप? अरे भगवान भैया, हमारी दुकान पे चलिए, बिल्ली जैसे मोटे मोटे चूहे हैं। हाँ चलिए। एक आप एक काम कीजिए, ये लड्डू पकड़िए और अपनी दुकान में किसी मोटे से चूहे को ये लड्डू खिला दीजिए। एक्चुअली मुझे ना कहीं जाना है, लेट हो गया हूँ मैं, चलता हूँ। आज स्कूटर भी खराब है ना, इसलिए धन्यवाद। अब हमारी दुकान का सबसे मोटा चूहा तो हम ही हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम ही चूहे बन जाते हैं। भगवान दास जी, सॉरी आप थोड़ा लेट हो गए। आपकी कंपनी का आदमी आपके आने से पहले ही ऑर्डर ले गया। मेरी कंपनी में वो रहा। हेलो बीडी। अस्थाना जी, आप हेलो बीडी, आप यहाँ कैसे? अरे सेल्स कॉल था। कांग्रेचुलेशन, अपनी कंपनी को 10 लाख 10 लाख का ऑर्डर मिला है। थैंक यू सर। यस बट मिस्टर अस्थाना, हाउ कैन यू, लाइक इट्स माय एरिया, हाउ कैन यू, आई मीन आई नो बीडी, मगर तुम थोड़ा लेट हो, यू आर लेट। और देखो दुबई ना तुम्हारा एरिया है ना मेरा, वहां तक पहुंचने के लिए तो किसी ना किसी के एरिया में घुसना पड़ेगा, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? गणेश जी से मन्नत तो मैंने मांगी थी, और ऑर्डर वो अस्थाना कैसे लेके गया? कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं पहुँचने में लेट हो गया, मेरे एरिया में अस्थाना पहले ही घुस चुका था और पूरा ऑर्डर वो ले गया। तो आप घर से लेट क्यों निकले? मुझे ना चूहों को लड्डू खिलाना था, इसलिए मैं लेट हो गया। हाँ लेकिन आपने तो चूहे को लड्डू खिलाए थे ना? हाँ हाँ हाँ, तो फिर उस जगदम्बा स्टोर वाले गणेश जी ने किसी और को ऑर्डर कैसे दे दिया? नमस्कार चौबे जी। नमस्कार। अरे शर्माइन, कैसे आना हुआ? ये माता रानी का प्रसाद। जय माता दी। हमारी ननन ने मन्नत मांगी थी तो उसे लड़का हुआ। इसका मतलब मन्नत पूरी हो गई उसकी? माता रानी बहुत दयालु है, जो मांगो वो देती है।
अच्छा मैं चलती हूँ। मतलब अब माता रानी हमें दुबई ले जाएगी। तूने मुझे बुलाया शेरावालिये, मैं आया शेरावालिये। तूने मुझे बुलाया शेरावालिये, मैं आया शेरावालिये। ये स्पेशली बरसात के लिए है। जैसे बरसातों में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बरसात आती है तो हमारे कपड़े भीग जाते हैं, अंडरवियर भी भीग जाता है, तो काफ़ी बीमारियां फैलने का डर रहता है, तकलीफ होती है बहुत। लेकिन ये बिल्कुल सेफ है एंड स्पेशली मेड फॉर रेनी सीजन। और दिखाइए। कितने होते बेटा? अरे मम्मी 64। लिख 64। हेलो बेटा। हेलो पापा। हाय। आ गए आप? हाँ आ गया। अरे वाह, लगता है आज ऑर्डर मिल ही गया। हाँ दो चार ऑर्डर मिले आज। हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है, हो जाएगा सब कुछ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बाबू बेटा क्या हुआ, सेल तो अच्छी हुई ना? हाँ पापा जी, लेकिन अस्थाना के सेल मुझसे ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए पापा जी, ये घुमा फिरा कर बात करना, टोपी पहनाना, चापलूसी करना, ये सब मुझे क्यों नहीं आता है? बेटा धंधे में सब चलता है, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। किस्मत ही खराब है पापा जी, कानपुर का मेला देखने की औकात नहीं और दुबई जाने के सपने देख रहे। बेटा दिल छोटा नहीं करते, विश्वास रखो सब अच्छा होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। वही तो। अच्छा सुनो, कल हम बिठूर के साईं बाबा मंदिर चलते हैं, वहाँ साईं बाबा से मन्नत मांगने के लिए, और मैं साईं बाबा का व्रत भी रखूंगी। ये क्या है वो अभी है? अरे पहले शंकर जी, फिर गणपति जी, फिर माता रानी, अब ये साईं बाबा। मतलब इतनी जल्दी तो नेता लोग पार्टी भी नहीं बदलते जितनी जल्दी तुम भगवान बदल रही हो। व्हाई? अरे नहीं नहीं, भगवान कहाँ बदले मैंने, पहले वाले भगवान भी रहेंगे। अच्छा, लेकिन साईं बाबा से थोड़ा जोर लगवा लेंगे ना तो काम हो जाएगा आपका। दीवाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बसने वाले
उपवास रखने से इनकी एनर्जी लेवल काफी ड्रॉप हो गई थी, मैंने इन्हें एनर्जी का इंजेक्शन दे दिया है, अभी ये बिल्कुल ठीक है, आप एक घंटे बाद इन्हें खाना खिला सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतनी कमजोरी होने के बावजूद भी आपने इन्हें उपवास क्यों रखने दिया? डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार समझाया लेकिन बहुत जिद्दी है, मानती नहीं, हर रोज अलग अलग भगवानों के उपवास रख रही। खैर, अभी इन्हें आराम करने दीजिए। कहां से आराम करूं डॉक्टर साहब, अगर मैंने आराम किया तो वो अस्ताना की सेल्स बढ़ जाएगी और हमारे बदले वही दुबई चला जाएगा। बॉबी, मैं कुछ समझा नहीं। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। सुनिए ना। अरे अरे अरे, अरे। आराम से बताओ क्या। सुनिए ना, हम दुबई जाएंगे ना? यस बॉबी, क्यों नहीं जाएंगे? देखना, मुझे पूरी उम्मीद है कल तक ना कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बॉबी के बस एक ही दिन बचा है। अब चिंता मत कीजिए, कल शुक्रवार है ना, तो मैं संतोषी माता का व्रत रखूंगी। अब देखना, संतोषी माँ हमारी जरूर सुनेगी। आज इस महीने की आखिरी तारीख है। आज हमको पता चल जाएगा कि किसने इस महीने में सबसे ज्यादा सेल की है और कौन अपने परिवार के साथ दुबई जा रहा है। और जिसने सबसे ज्यादा सेल की है उसका नाम इस लिफाफे में लिखा हुआ है। सिमी, इस लिफाफे को खोलकर उसका नाम अनाउंस करो। श्योर सर। कब आएंगे ये? क्या हुआ? आज सेल्स का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था ना? अरे बोलिए ना, क्या हुआ? मिल गया आपको बेस्ट सेल्स का अवार्ड? अरे बताइए ना। सबसे ज्यादा सेल की है अभिषेक अस्थाना ने। सॉरी बॉबी, मेरे ख्याल से अस्थाना ने मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी। इट्स ओके बॉबी। बॉबी, क्या हुआ भगवान दास? क्यों हो उदास? कमाल है यार तुम्हारा भी, तकलीफ दे के पूछते हो तकलीफ क्यों हो रही है। मैंने तुम्हें कब तकलीफ दी भगवान दास? अरे मुझे नहीं दी, लेकिन बॉबी को तो तकलीफ दी ना। वो देखो कितनी तुम्हारी पूजा की, कितनी मन्नतें मांगी। यार हद होती है किसी चीज की, पता हमसे कोई इतना मांगता तो कसम से अपनी जान। नहीं ठीक है, जान जान नहीं, लेकिन जान जैसी कोई भी चीज दे सकते थे यार, और तुम यार दुबई का ट्रिप नहीं दे पाए। भगवान दास, किसी को दुबई भेजना या टीटू के अंडरवियर बिकवाना, ये सब मेरे हाथ में नहीं है मेरे दोस्त। शिवाय अगर सब कुछ सेल्स पर ही निर्भर करता था तो एक बार कम से कम बॉबी को आके समझा देते।
के पूजा पूजा मत कर। कभी तुम्हारे ऊपर दूध चढ़ा रही है, कभी तुम्हारे बेटे के लिए लड्डू बना रही है, कभी दुर्गा के लिए उपवास रख रही है, मतलब क्या 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 कुछ गलत कर रही थी वो? एक बार उसकी मन्नत पूरी नहीं कर सकते थे? भगवान दास में उसकी मन्नत पूरी करने वाला ही था कि उसने भगवान बदलने शुरू कर दी। जब उसने मुझ पर दूध चढ़ाया तो मैं उसकी मनोकामना पूरी करने वाला ही था कि उसने गणेश जी की पूजा स्टार्ट कर दी। और जब मैंने गणेश जी का रूप लिया और अपने वाहन चूहे पर बैठा कि उसने माता रानी के आगे अपना सर टेक दिया। और जब मैंने माता रानी का रूप लिया तो उसने साईं के भजन गाना शुरू कर दिया। और जब मैंने साईं का चोला पहना तो वो हनुमान जी की ओर शिफ्ट हो गई। भगवान दास, मैंने हनुमान जी का रूप लिया और आशीर्वाद के लिए जैसे ही हाथ उठाया कि उसने भगवान राम का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं राम का रूप ले रहा था इतनी देर में उसने संतोषी माता का व्रत रख दिया। और जब तक मैं संतोषी माता का अवतार लेता भगवान दास, तुम्हारी सेल्स का रिजल्ट आ गया। अब तुम ही बताओ मुझे टाइम कहां मिला? सुबह से कोई और नहीं मिला? मतलब यार मजाक उड़ा रहे हो मेरा है? आप खुद ही कहते हो ना कि भगवान एक है, आप ही राम, आप ही कृष्ण, आप ही दुर्गा शक्ति, आप ही साई। तो फिर ये रूप बदलने का जो लॉजिक है, I can't understand। भगवान दास, तुम मानते हो ना कि भगवान एक? Yes, I know, everybody knows। तो जब भगवान एक है तो ये बार बार भगवान बदलने का क्या मतलब है भगवान दास? यदि तुमने एक भगवान से मन्नत मांगी और उन्होंने मन्नत पूरी नहीं की तो तुमने उसे आउट कर दी और दूसरे भगवान को इन कर ली, और इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब भक्ति का ऐसा कंफ्यूजन कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाए कि उसे सवारी शेर की करनी है कि चूहे की। भगवान दास, फल भगवान बदलने से नहीं, कर्म बदलने से मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा, लगन से मिलेगा। अबे जान दो भगवान, कैसी बातें कर रहे हो यार? तो हमने कर्म करने में कौन सी कमी छोड़ी है मेरे भाई? क्या हमने किसी की भैंस खोल दी क्या? अब तो मुझे एक बात बताओ, दिन रात मेहनत की, ईमानदारी से अपना काम किया, फिर भी सेल्स अच्छे नहीं हुए तो क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं? सच बोलो भगवान दास, क्या तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया था? सोच के बोलो, आराम से बोलो। हाँ, मैं मीटिंग्स में लेट पहुंचा, वजह कुछ भी थी पर उसका फायदा अस्थाना को मिल गया। या शायद मैं अपने क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं कर पाया, गलती मेरी है। और फिर हाँ, सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं मैंने भी ये सोचा कि बॉबी की पूजा शायद हमें दुबई ले जाए, बस यही गलती हो गई। तो दोस्त, दोष मुझे क्यों? You are right, दोष तुम्हारा नहीं है, लेकिन ये वाली बात मुझे तो समझ में आ गई, अब बॉबी को कैसे समझ में आएगी? बॉबी, 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 क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? इन सारे भगवानों को गंगा में बहाने जा रही हूँ, नहीं चाहिए हमें ये, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेंगे हम। पर बोबटा, ये क्या कर रही हो? किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं है पापा जी, इनमें से एक ने भी मेरी नहीं सुनी। क्या नहीं किया था मैंने? दूध चढ़ाया, लड्डू बांटे, जल चढ़ाया, व्रत किया, सूरज को जल, चींटियों को शक्कर, क्या नहीं किया मैंने? लेकिन एक ने भी मेरी नहीं सुनी। जानता हूं तुम्हें दुख हो रहा है,
बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बच्चे हमसे कितनी चीजें मांगते हैं, तो क्या हम सारी चीजें दे पाते हैं? नहीं। अब मान लो हमने अपने माँ बाप से कुछ मांगा और माँ बाप ने हमें ना देकर हमारे किसी भाई को दे दिया, तो क्या हम माँ बाप का सम्मान करना बंद कर दें या उन्हें घर से निकाल दें? अरे पगली, भगवान हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे दोस्त। अरे कितना कुछ दिया है भगवान ने हमें, और अगर एक बार नहीं दिया तो कौन सी आफत आ गई? एक बार दे दे। अरे आखिर भगवान से हमारे पर्सनल रिलेशन जो है, इज माय फ्रेंड। कमी मेरी मेहनत में है, तुम्हारी पूजा में नहीं। अंडरस्टैंड? तो अगली बार मैं डबल मेहनत करूंगा और तुम डबल पूजा करना। तो फिर दुबई क्या? अरे अमेरिका जाएंगे। हैं? क्यों बेटा? हाँ पापा। हाँ यस पापा। और बेटा ईश्वर तो एक ही, प्रार्थना तुम चाहे राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे शिव की करो, एक ही जगह जाती है और दुआ भी वहीं से आती है। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। Oh,